नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। दामखेड़ा सर्वधर्म कोलार, भोपाल में गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मनाई गई। भोपाल समाज के मीडिया प्रभारी अमित खाडे सतनामी ने बताया कि 18 दिसंबर सन 1756 को छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी के पावन धरा पर जन्म लेकर समस्त जीव जगत को सत के मार्ग पे ले जाने वाले, मानव एक का पीठ पढ़ने वाले ऐसे महान संत प्रातः स्मरणीय विश्वंदनीय परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु गुरु घासीदास बाबा जी की 267वीं जयंती सतनामी समाज दामखेड़ा सर्वे धर्म के निवासियों द्वारा 28 दिसंबर को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें सतनाम शोभा यात्रा, गुरु गद्दी स्थापना, चौका पूज, पंथी नृत्य और भंडारे का आयोजन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामेश्वरम शर्मा, हुजूर विधानसभा विधायक राज महंत व समाज के संरक्षक विष्णु बंजारे, समाज के उपाध्यक्ष पूरन सतनामी, सचिव बुधारू पाटले जी, कार्यकारिणी सदस्य सीपी भारद्वाज जी, प्रेम डहरे जी, सीपी दिवाकर, मालिक दास बंजारा, मंजेश जांगड़े, धनेन्द्र बंजारे आदि कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामेश्वर शर्मा जी ने गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए उपदेशों को संत समाज के बीच रखा। घासीदास जयंती पे आया गुरु घासीदास जी महाराज जी का जयंती पर्व 7-8 दिन लगातार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज उसी के तहत दामखेड़ा में आयोजन हुआ है। मैं संपूर्ण सतनामी समाज को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो बाबा जी का मार्ग है, जो महाराज जी का मार्ग है, उस पर चले, मानवता की सेवा करें और सनातन की जय जयकार करें। सर नाम बताइए पहले। सर नाम बताइए। सर आज बाबा की जयंती मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे? हाँ, बाबा जी का जयंती मनाया जा रहा है आज और बड़े इधर हो जाए इधर मनाते हैं और सर 1656 में जन्म लिया है बाबा जी और यहाँ पे पंथी नृत्य और चौका आरती हर साल की तरह मनाते हैं। दशहरा मैदान से रैली आया था और रैली यहाँ आकर संपन्न हुआ, चौका पूजा हुआ, आरती हुआ और हमारे बीच नीति माननीय रामेश्वर शर्मा जी बाबा की। साथियों, आज सब लोगों को घासीदास बाबा जी की जयंती सर्वधर्म दामखेड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेशों को सतनामी समाज मानता है और अपने कण कण में विराजमान करता है और बाबा जी के आदर्शों पर चलने वाला समाज है। यहाँ आज भव्य रूप से परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विधायक खुदूर यहाँ पर उपस्थित हुए, साथ ही सुनीता गुड्डू भदौरिया जी यहाँ पर उपस्थित हुए, यहाँ के पार्षद वार्ड 80 और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मंदिर विकास या मोहल्ला विकास की जो भी बातें होंगी वो उसके स्तर को कायम करवाएंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। माननीय विधायक जी का तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हमारा मंदिर का निर्माण कार्य में है, चाहे और कई कामों में बिजली पानी की व्यवस्था हो और कई छोटी छोटी हमारी आवश्यकता होती उसको पूरा करते हैं। उनका मैं पुनः आप इसके चैनल के माध्यम से समाज की ओर से, समिति की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इन्हें हमें सहयोग करते रहें। साथ ही यहाँ पर मानव समाज एकत्रित है, भोपाल के कोने कोने से आए हुए हमारे माता बहनें और भाई और हमारे समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती 18 तारीख लेकर के 31 दिसंबर तक मनाते हैं। खासतौर से भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में लगभग 12 स्थानों पर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का मंदिर और जय स्तंभ स्थापित है। वहाँ विभिन्न जगहों पर अलग अलग तारीख पर अलग अलग दिनांक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मैं पुनः परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये समाज से ये अनुरोध करता हूँ कि वो बाबा जी के आदर्शों पर चले। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की 267वीं जयंती दामखेड़ा में भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें आज शोभा यात्रा बड़ी संख्या में माता बहनें बच्चों शामिल हुए हैं और यहाँ दामखेड़ा में आकर गुरुद्वारा में स्थापित हुए हैं, जिनकी
परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जितनी अपन बोले उतनी कमी है। मैं तो कहता हूँ कि सभी मानव एक समान और प्रत्येक सभी संघर्ष करें, बाबा जी की जो बताए हुए रास्ता पे चले और उनकी जो वाणी है उनकी माने और उसी में ही समाज की भलाई है और मानव की भलाई है। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास। नाम बता दीजिए, नाम बता दो। नाम बिहारू पाटले, गुरु घासीदास सेवा समिति की सचिव। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।